और अय्या को सीधे लिए चलते दिल्ली और सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, माफ कीजिए बीसीसी, और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री बी डी कल्ला। आपको पता है कि हमारे सुखजिंदर सिंह जी ने क्या कहा कि अनुभव और नौजवान ये मिलकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बजट के मामले में विरोध पक्ष ये कह रहा था कि हम जो है बजट का दिन चेंज करो, बजट लीक हो गया, जबकि पिछले साल का बजट की दो लाइनें पढ़ दी, बजट तो लीक हुआ नहीं। और हमने ही ये कहा था, मैंने ही ये बताया था कि बजट जो है लीक नहीं हुआ है, बजट की तारीख तय करता है गवर्नर, समय निश्चित करता है गवर्नमेंट। कल्ला साहब सवाल ये है कि बड़े बड़े नेता ऐलान करेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भरत सिंह कह चुके, हेमाराम कह चुके, आज दीपेंद्र जी ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप क्या कहते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप मैदान नहीं छोड़ेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कोई तैयार होगा तो उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, तैयार करना पड़ेगा, उसको 5 साल लगेंगे। है ही नहीं, बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है। जो नेता छोड़ रहे हैं मैदान उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी इच्छा है, ये तो देखिए चुनाव में अपनी अपनी इच्छा होती है, जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए और जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ देना चाहिए। चुनाव आते आते सरकार के मंत्री करप्शन के चलते गिरते जा रहे हैं, गिरोड़ी से लगातार एक एक मंत्री का चिट्टा खोलते जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने तो विधानसभा में कहा हुआ है कि मेरा 43 साल का विधायी जीवन है, उसमें कोई व्यक्ति एक करप्शन का चार्ज लगा दे तो मैं मतलब और उसको सिद्ध कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास दे दूंगा। बात नहीं आपके सरकार, बाकी सब अपना अपना जाने। आप क्या, आप अपने किरोड़ी जी तो जो है ना, मेरी बात सुनो, वो उनको तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। ये बताइए सुचिता सादगी की बात करने वाले कांग्रेस से इतनी ब्रांडिंग कर रही, इतनी मार्केटिंग कर रही, इतना पैसा बहा रही विज्ञापनों पे, क्या आप मानते हैं सही है, वक्त की जरूरत है ये सब? विज्ञापन तो बहा रही है बीजेपी, आप देखो 3-3 पेज के मध्य प्रदेश में विज्ञापन आ रहे हैं, हमारे तो बहुत समझिए कि जो जेन्युइन चीज है वही कर रहे हैं हम लोग, विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है बीजेपी, उनके पास आप देखो अरबों रुपए का फंड है, हमारे पास कहाँ है, हम तो एकदम सादगी से गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। सर ये महंगाई राहत से कोई राहत मिल पाई है? अरे मैंने अभी 10 बातें गारंटियाँ बताई, उनसे जबरदस्त राहत मिली है लोगों की। आप देखिए कि 2000 यूनिट किसान को फ्री, इसका मतलब 2 लाख वर्ष का फायदा, कितनी बड़ी बात है, कहीं पर नहीं है। लेकिन अब जो कैंप है उनमें भीड़ दिखाई नहीं दे रही, अब तो खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो हो चुके हैं प्राय प्राय, आज 20 कैंप तो हर जगह स्थाई लगे हुए हैं और 2-2 दिन के हर वार्ड में कैंप लगे हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं, बल्कि अब 1.25 करोड़ हो चुके हैं, और कितने परिवार हैं, सभी को प्राय प्राय फायदा हो चुका है। स्कूल खुलने वाले सर, प्रवेश को लेकर के, ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर के किस तरह से दिशा निर्देश रहेंगे? देखिए हमारे यहाँ 2 बार प्रवेशोत्सव मनाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि स्कूल गोइंग बच्चे घर में नहीं रहने चाहिए, और किसी कारण से कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको वापस शाला में लाना, तो प्रवेशोत्सव बराबर हम जो है मनाएंगे और मना करके किसी भी बच्चे को घर में नहीं रहने देंगे, उनको राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हम अधिक से अधिक पढ़ाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। शहरी ग्रामीण ओलंपिक भी करवा रहे हैं शिक्षा विभाग को, निश्चित रूप से किस तरह से इससे खेलो, पिछले बार जो शहरी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे बहुत शानदार हुए थे, इससे और अच्छे इस बार ग्रामीण ओलंपिक होंगे, और उसमें पूरा आपने देखा होगा 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ कबड्डी खेली थी, 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ खेल के मैदान में थी। हाँ थैंक यू। तो आपने सुना मंत्री बी डी कल्ला को, जिन्होंने कहा कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और किस तरह से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो दावेदार हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हर वो काम करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि प्रदेश को फ़ायदा मिले। आपको बता दें पीसीसी वॉर रूम में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मिशन रिपीट को लेकर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, प्रताप सिंह खजरियावास, महेश जोशी भी वहां मौजूद थे।